तो चलो गाइस अब सब कट कर लेते हैं और सब अच्छे से बारीक कट कर लेना है। ऑनियन काटते समय उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा वाइट होता है जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। और जब तक ये सब कट हो रहा है तब तक मम्मी जम्मी रेसिपी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगी। ये आलू मैंने उबाल के लिए है और उबले हुए आलू अच्छे से काट लेना है। तो चलो अब सब कट कर लिया है, अब एक पैन लेते हैं और पैन में एक चम्मच ऑयल डाल देती हूँ और अच्छे से गरम कर लेती हूँ। और गरम तेल में सरसों डाल दिया है, मेरा थोड़ा कम था इसलिए मैं और थोड़ा सा सरसों ले लेती हूँ और अच्छे से गरम कर लेती हूँ। और सरसों को अच्छे से तड़तड़ाने दो, जब तक उसकी खुशबू अच्छे से नहीं आती तब तक। अब तड़तड़ाया है तो उसमें एक टीस्पून मतलब एक चम्मच लहसुन पेस्ट डाल दो। अब मैंने कटा हुआ प्याज डाल दिया है तो उसे अच्छे से हिला रही हूँ और प्याज को ब्राउन होने तक तलो। और मम्मी जम्मी रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर दिए। अब कटी हुई मिर्च अब करी पत्ता डाल दिया है और अच्छे से हिला दिया है। उसे जलने ना दे, गैस मीडियम फ्लेम पर रख दे। अब हल्दी डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और धनिया डाल दिए, मेरी थोड़ी बची थी वो मैं बाद में डाल दूँगी। अब लास्ट में कटे हुए आलू डाल दो और अच्छे से हिलाओ, जब तक वो अच्छे से मिक्स नहीं होता तब तक। अब अच्छे से मिक्स हो रहा है और 5 मिनट तक उसे पकने दो। अब मेरी बची हुई धनिया मैं डाल दी हूँ। तो आलू की चटनी इज़ रेडी।